सो हैप्पी 45th बर्थडे रियल वाला जो एमएस धोनी आपके पर्सनल माई भाई नहीं धोनी धूम मचा दे ये भी चलता क्योंकि धोनी ने शुरू से उसने बोला भी है कि वो जॉन को बहुत एडमायर करता है तो वो हेयर स्टाइल हमेशा जॉन की कॉपी करता था एक दिन जब जीवा फोन ले जाती है तो वो ट्रैक्टर चला लेते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है शुभम अगर आप सोच रहे हो कि एक हफ्ते में ये लोग दूसरी बार कैसे आ गए टीजीआईसी का एपिसोड लेके तो भाई बात ऐसी है कि ये है हमारा 7वां एपिसोड और ये होने वाला है बहुत ही खास एपिसोड क्यों क्योंकि आज है 7 तारीख जब आप इसको देख रहे हो एंड विच इज द बर्थडे ऑफ एमएस धोनी कोई बुराना माने लिविंग लेजेंड नहीं कोई बुराना माने मैं कहना चाहूंगा कि शायद 50th बर्थडे है उनका ये तू बोल भाई मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता मेरे साथ तो 7वां है यार मैं तो 7 ही बोलूंगा ये 50th बर्थडे यार एमएस धोनी का मुझे तो एमएस धोनी 41-42 का तो खुद को बताते हैं रेलवे भर्ती की उन्होंने परीक्षा दी थी तो उसमें 2-4 साल ऊपर नीचे तो चलता ही है एक राशिद खान तो सबके अंदर है जो सकता बढ़वाइयो भाई नौकरी के लिए उन्हें जरूरत थी उस समय उमर बढ़वा दी होगी अपनी भाई उमर तो लेकिन जितनी कम रखेंगे उतनी ज्यादा एलिजिबल एलिजिबल होने के लिए ऐसा थोड़ी बचपन में दे दिया था माई भाई ने अटेम्प्ट तुझे क्या पता यार नहीं यार बचपन में तो जीवन जी रहे थे यार वो अपना कहाँ दिखाया उस फिल्म में इसको दोस्तों ज्यादा लग रहा है और जो भी गालियां बकनी है तो इसके नाम से बकना स्पेसिफिक यार मैं अपने माई तुम दोनों चूतिया ऐसे मत लिखना नाम के साथ लिख देना यार अपने माई भाई के साथ इतना मजाक भी नहीं कर सकता मैं उनके बर्थडे नहीं कर सकता भाई ठीक है आपके पर्सनल माई भाई नहीं अपने पर्सनल माई भाई लेके आओ मेरे भी तो मैं माई कैप्टन यार ऐसी बात थोड़ी है बट ठीक है यार ये एमएस धोनी का स्पेशल एपिसोड हम लेके आ रहे हैं द मैन द मिथ द लिविंग लेजेंड उनके बारे में हम बात करेंगे और सीधे आज कोई सेगमेंट्स नहीं कुछ नहीं वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एमएस धोनी क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं एमएस धोनी की जर्नी को बिल्कुल आपको पहली बार पहली मेमोरी क्या है आपकी एमएस धोनी मेरी पहली मेमोरी एमएस धोनी की है शायद नेपाल में एक सीरीज चल रही थी जिसमें गौतम गंभीर भी खेल रहा था और वहां शायद मैंने एमएस धोनी को खेलते देखा नेपाल मैच देखने नहीं ब्रदर मुझे नहीं पता बहुत पुरानी बात है वो नेपाल ही था या कोई ऐसा था जो जहाँ वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे थे कोई अच्छा। ऐसा सीरीज ही चल रही थी और इंडिया डेब्यू नहीं हुआ था इंडिया डेब्यू नहीं हुआ था भाई साहब ये चीफ सेलेक्टर इंडिया के धोनी को पहले ही देख लिया था हाँ मैंने तब देख लिया था मैंने मेरी मेमोरी तो धोनी की वही है कि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे इतना जो वो पहले मैच में 0 पे आउट हुए बांग्लादेश में मुझे नहीं याद है बट जिस दिन एमएस धोनी ओपनिंग करने वन डाउन आए सरप्राइज हुआ विशाखापट्टनम में वो मैच था वो छुट्टी वाले दिन था शायद मैच या तब छुट्टी चल रही थी कुछ वो मैच मुझे याद है कि मैंने देखा था होते हुए कि धोनी को ऊपर भेज दिया और फिर लंबे बाल वाले उस आदमी ने 148 रन मार दिया भाई तब इतनी तेज बैटिंग बहुत लोग नहीं करते थे और वो पाकिस्तान की ऐसी धुनाई कर दिया एमएस धोनी ने और उस इनिंग को देख के लग रहा था कि ये बंदा चाहे तो हर बॉल पे छक्का मार सकता है और कोई मिस टाइम नहीं होगी कुछ नहीं भाई अलग जलवे थे यार उस मैच में मुझे याद है अरुण लाल की कमेंट्री चलती थी तब बहुत अरुण लाल वाज वन ऑफ द मेन कमेंटेटर अरुण लाल एल शिवरामा कृष्णन ये लोग ने बहुत तारीफ की धोनी की अगले दिन न्यूज़पेपर में आया कि दूध पीना है धोनी की शक्ति का राज धोनी 5 लीटर दूध पीते हैं पहले दूध की डिटेल बहुत आती थी जो ताकतवर होता था दूध पीता है वो दूध पीता था मतलब सहवाग का ये रहता था कि जब सहवाग की माँ गाँव से दूध भिजवाती है ये सब दूध का अच्छा चल रहा था देन केम मोहम्मद शामी बट मुझे पहला वही याद है एमएस धोनी का और उसके बाद तो फिर वो एक रेगुलर हो गए थे और वो 183 मुझे वो भी याद है जब वो रन आउट हुए थे पहले मैच में अच्छा बांग्लादेश वो वाले भी मेरे को याद है उसके बाद तीसरी इनिंग थी शायद उनकी हाँ शुरुआत की थी हाँ और उसके लेकिन मेरे को 148 वाली इनिंग को तो क्या एंजॉय किया था यार मजा आया था यार मजे आ गए थे ऐसी इनिंग देखने को मिली थी और फिर 183 भी उसके कुछ दिनों बाद ही जल्दी आ गई थी बहुत दिन एक तो पहले यार वो एमएस धोनी का वो रिकॉर्ड भी तो है कि 1000 रन बहुत कम मैचेस में कर लिए थे क्योंकि वही यही हुआ था लंबी लंबी इनिंग्स खेल दी थी यार बैक टू बैक 1000 में 300 रन तो ऐसे ही हो गए 183 वाली भी मुझे याद है जयपुर में मैच था सवाई मानसिंह स्टेडियम और वो टेंट लगे हुए थे उसके दिवाली के टाइम का था और तब 280-290 रन बहुत माने जाते थे उस समय स्टेडियम में टेंट लगे होते थे तो टेंट के ऊपर बॉल चली जाती थी नीचे से ऐसे लोग बोतलें मारते थे वो विजुअल है दिमाग में यार अभी नहीं और मेरे को वो भी है कि तब फेस्टिवल का टाइम था आई थिंक दिवाली वीक था दिवाली से पहले धोनी ने मांगे थे तो तब वो आता था मतलब कि आज ही मन गई दिवाली दिवाली के अराउंड आप मैचेस आते धोनी ने किया धमाके धोनी ने किए धमाके धोनी का धमाका ये वाली हेडलाइंस बहुत चली थी मुझे याद है और वो सीरीज का डिसाइडिंग मैच था फिर धोनी की वो सारी डिटेल निकल के आई कि धोनी को है बाइक चलाने का शौक और वो पूरा मुझे याद है कि ऐसे धोनी और जॉन अब्राहम दोनों के लंबे बाल हैं दोनों को बाइक पसंद है तो दोनों के कैसे पैरेलल ड्रॉ किए जाते वो भी था क्योंकि धोनी धूम मचा दे ये भी चलता था क्योंकि धोनी ने शुरू से उसने बोला भी है कि वो जॉन को बहुत एडमायर करता है तो वो हेयर स्टाइल हमेशा जॉन की कॉपी करता था जॉन स्टार्टिंग स्टाइल और फिर बाइक वाला प्यार शादी में कौन गया था
जॉन अब्राहम को बुलाया था भाई बॉलीवुड से और अपनी टीम से एक दो प्लेयर गए थे, सुरेश रैना, पीयूष चावला, आरपी सिंह और जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम यार, मुझे लगता है जॉन अब्राहम की सबसे बड़ी सक्सेस नो स्मोकिंग, ये मद्रास कैफे नहीं, ये कि एमएस धोनी इज हिज फैन। तो एक तो ये एमएस धोनी की जर्नी शुरुआत हुई और फिर वो याद है कि 2000 मतलब अब तक वो 2007 फिर वो एक पीरियड चल रहा था जब इंडिया कूट रही थी, रनवन तो बना रही थी, श्रीलंका से 6 सीरीज होती थी, वो होती थी उनमें आराम से रनवन बनते थे, युवराज और धोनी ऐसे फिनिश करते थे। कुछ एक रिकॉर्ड भी था इंडिया का कि सक्सेसफुल 15 या ऐसे बहुत मैच सक्सेसफुल लाइन से, लाइन से किए, लाइन से राहुल द्रविड़ की कैप्टनशिप में किए थे, उनकी कप्तानी में। और भाई युवराज और धोनी अगर है फिनिश कर देते थे, मैच फिनिश होना ही होना, चेस तो हम ऐसे करते थे, मतलब वो सब सही चल रहा था। फिर आया अजंता मेंडिस, एक एशिया कप आया जिसके फाइनल में आया अजंता मेंडिस। भाई युवराज जीरो, उससे पहले एक मैच और खेला था, बड़ी स्मार्टली श्रीलंका ने अजंता मेंडिस को नहीं खिलाया, नहीं किसको पकड़ लेंगे, इसको रिवील नहीं करना है। और वहां हम जीतते जीतते ऐसे था कि हम तो यूं जीत जाते थे, मेंडिस ने अकेले पूरी टीम खा ली भाई भाई। और एशिया कप में मतलब हमें बहुत हारे श्रीलंका से, ऐसे हरा देते हैं उनको, बहुत हारे, मतलब वो मेंडिस आया पूरी टीम खा गया। खैर सहवाग ने बाद में मेंडिस का भी भूत बना दिया भाई, उसका खौफ निकल गया एक मैच में सहवाग ने निकाल दिया, पूरी टीम में था उस इनिंग में खौफ। 300 रन बनाए थे इंडिया ने, 201 सहवाग ने बनाए थे, सिर्फ सहवाग को नहीं था, बाकी सबका वही चल रहा था किधर मारूं कहां जाएगी क्या खेलूं। तो ये तो वो टाइम था जब मतलब मुझे लगता है एमएस धोनी का पहले 2 साल तो श्रीलंका और पाकिस्तान की बहुत कुटाई की। पाकिस्तान से भी खूब सीरीज थी, पाकिस्तान में जाके पेल के आए थे, पाकिस्तान गए भाई, मुशर्रफ ने नजर भी लगाई, बाल बहुत अच्छे, डोंट कट योर हेयर, ये सब बोला। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए मुझे याद है कि धोनी को कैप्टन बनाया गया। उसके बाद पहले हुआ था ना 2007 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें बहुत गंदा हाल हुआ था हमारा, धोनी ने भी कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन पुतले जले थे भाई धोनी के, धोनी के बराबर पुतले जले थे। क्यों? क्योंकि उस समय उस फुटेज को धोनी ने जो अपनी रिटायरमेंट वीडियो डाली है उसमें लगा, retirementvideo.mp4 उसने अपनी कोई ट्रॉफी लेते हुए फोटो नहीं डाली है, वो फोटो रखी है जो उसकी वो जली थी। तो कितना इम्पैक्ट था धोनी के ऊपर उसका, और सब में मतलब टीम पे भी कितना इम्पैक्ट था धोनी का, ये इससे पता लगता है कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इनसे लोग निराश थे, इनसे निराश थे और धोनी से निराश थे। तो धोनी ऑलरेडी आई थिंक एक नाम बन चुके थे, 2004 में खेलना शुरू किया, 5 में वो इनिंग आई, 6-7 3 साल में इतना नाम अपना बना चुके थे, इतना नाम और सुरेश रैना को अपना बेस्टी, ये तो दोनों आई थिंक उन्होंने बना लिए थे ये दोनों काम वो कर चुके और, थे। जॉन अब्राहम को भी अपना फैन, जॉन अब्राहम को अपना फैन ऑफ कोर्स, ये वो कर चुके थे। और एमएस धोनी को महान मनाते हैं उन्होंने जीवन में अपने जो बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे कि 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल में ही हम गए, फाइनल तक पहुंचने से पहले मैं कहूंगा थोड़ा पीछे आते हैं कि उनको कप्तान बनाया जो गया, कप्तान चलो उन्होंने कैप्टनसी ली, उन्हें ऑफर हुई होगी, उन्होंने बहादुरी से ली, उसके बाद अब पहला डिसीजन तो वही वाला था कि जब बॉल आउट हुआ था, बॉल आउट में हाँ, और उसकी कहानी उथप्पा, उसकी कहानी ये है आई थिंक इंडियंस ने प्रैक्टिस की थी उसकी, ये अभी सहवाग ने बताया था कि हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते थे, एक घंटा हमें ऐसा रूल मिला था कि ये तो करना है, नया रूल आया था, तो उसमें ये था कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब होने के बाद उसकी भी बाकायदा सारे लोग प्रैक्टिस करते थे। और ये मुझे लगता है कि बहुत सही कॉल था इंडिया का कि उन्होंने देखा पाकिस्तानियों ने अपने वो फास्ट बॉलर लगा दिए, सोहेल तन्वी फेंक रहा है, सारी स्विंग उमर गुल फेंक रहा है, मैच में नहीं हुई उनकी बॉल इतनी स्विंग जितनी उन्होंने यहाँ करके दिखाई लहर रही है बॉल इधर उधर, स्टंप 3 विकेट के अलावा 6 छठी स्टंप पे वो बॉल कर रहे थे, किसे विराट कोहली को डाल रहे हो आप छठे स्टंप पे, किसे आउट कर लोगे, क्या कर रहे थे। पर वहां पे इंडिया ने भाई रॉबिन उथप्पा कभी बॉल से कंट्रीब्यूट कर देंगे नहीं सोचा था, एमएस धोनी कैन गेट इट डन, हंसते हंसते वीरेंद्र सहवाग आएंगे पूछते हो धोनी हाँ, और डाला आउट, वो इंडिया जीत गई वहीं से आई थिंक पूरा शिफ्ट हुआ। और इतनी यंग टीम मतलब श्रीशांत ने हेडन और गिलक्रिस्ट के विकेट ली, बोल्ड मार के जो अग्रेसिव हमारी एक अप्रोच थी ना कि ऑस्ट्रेलिया से डर का खत्म किया एक, हाँ, युवराज सिंह ने किसी ने फालतू बोला 6 छक्के मार दिए। और मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जंप कर रहा हूँ, इस टूर्नामेंट में वापस आएंगे कि ये जो धोनी का था ना कि हम सबके बराबर हैं ये दिखाना भी है। जब 2008 में सीबी सीरीज जीते वो विजुअल है, धोनी ने प्रॉपर मना कर दिया कि एक ओवर पहले धोनी ने बुलाया कि ग्लव चेंज करने और बोला कि सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऐसे कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि ये होता रहेगा, इनको ये मैसेज जाना चाहिए, इनको ये मैसेज जाना चाहिए कि इट इज जस्ट अनदर सीरीज विन फॉर अस। तो कितना मतलब सोचती है यार उस बंदे की, क्या स्टेटमेंट, क्या संदेश है टीम में, क्या संदेश जाता है, बस बहुत बड़ा। तो वापस आते हैं वर्ल्ड कप पे, फिर वही वर्ल्ड कप फाइनल का चर्चित एपिसोड की भाई मुझे याद है हम उसको पड़ोसी सब साथ में मिलके देख रहे थे और रन थोड़े कम लग रहे थे यार 150 ही बने यार कैसे बचाए जाएंगे, और उसमें भी
ठीक ठाक चल रहा था, मिसबाह उल हक ने भज्जी के ओवर में 20-22 रन मार दिए। और वो भज्जी आज की डेट में ये चाहता है कि वर्ल्ड कप का क्रेडिट पूरी टीम को मिले, टीम को मिले, भज्जी को तो ना मिले। फाइनल में जैसी पिटाई हुई है भज्जी की, मतलब ये तो याद रखो यार कि क्या हुआ है हमारे साथ। उसके बाद ये हो गया था कि इसे ओवर मत देना, इसे ओवर मत देना। भज्जी का रोना ही है कि मेरा ओवर बचा था और मुझे नहीं मिला। मिल जाता भाई, पाकिस्तान पहला इनॉग्रल वर्ल्ड कप जीत जाता। वो वहां पे ट्रिक उन्होंने खेली, जोगिंदर शर्मा को दिया, और वहीं से वहां मतलब हमने पहली बार इस चीज को नोटिस किया। बट MS धोनी की कैप्टनसी हमेशा इस चीज के लिए तो जानी जाएगी जो आज तक चल रही है कि उन्हें बहुत स्किलफुल बॉलर्स नहीं चाहिए, उन्हें बॉलर की स्किल लिमिटेड होगी, सब कुछ लिमिटेड होगा, उनकी सुनने वाला बॉलर चाहिए जो उनकी सुने, जो ऐसे कर दे बस। लिमिटेड कैपेबिलिटी के क्रिकेटर्स है ना, वो CSK में इसीलिए सक्सेसफुल हैं कि वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो धोनी के दिमाग से चलते हैं और धोनी उनसे बेस्ट निकलवा लेते हैं। इतना अच्छा कैप्टन उन्हें कहीं और मिलता नहीं है जो उनका यूज कर पाए। कितने बंदे, वो सुदीप त्यागी, ये वो कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाए, कहीं और इतना अच्छा खेल ही नहीं पाए। बॉलर्स लाइन से बैट्समैन को भी देख लो भाई, सबका CSK में आके भला हो जाता है, तो सब आके अपने आप को समर्पित कर देते हैं धोनी को, और फिर धोनी पूरा निचोड़ के, धोनी वो है भाई गन्ने के जूस वाला जो आखिरी बार भी क्रिकेट बुड्ढा हो गया क्रिकेटर, अब 40 साल का करता है, एक नींबू लगा देता है, उसका सारा जूस निकल चुका है। धोनी उसको नींबू डाल के उसके अंदर एक बार और डालता है, निकाल देते हैं, हो जाएगा, उसे निकाल लेता है, हो जाएगा। बिल्कुल सूखे गन्ने से जो रस निकाल दे वो है MS धोनी। मैं मान रहा हूँ कि भाई वो एक बहुत बड़ी चीज थी, वहां से हमने डोमिनेंस दिखाया वर्ल्ड क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, और वो ऑस्ट्रेलियन टीम जिसमें पॉन्टिंग कैप्टन है, डेंजर टीम थी यार, सारे उनके पीक प्लेयर्स थे उस समय, सब पीक पे थे, और उनके ग्राउंड देख के और उसने कितने अच्छे से यूज किए थे हमारे टॉप प्लेयर्स, सहवाग, गंभीर, सचिन, तीनों ओपनर्स थे, कैसे यूज करे उसने, डाउन कर दिया, उसके बाद नीचे रोहित अपना शर्मा, अपना नंबर नीचे ले आए। हाँ, मेमोरेबल सीरीज, और उस सीरीज में हमें मिला था प्रवीण कुमार, 2008 की सीरीज में, और प्रवीण कुमार जाने ऐसे बोल जाती थी दोनों तरफ प्रवीण कुमार लहर के फुल, और प्रवीण कुमार की बॉलिंग तो बॉलिंग है, उनका वीडियो भी बहुत फेमस है, तो प्रवीण कुमार मास्टर क्लास है हाउ टू डील विद अब्यूजर्स। मैं चाहूंगा उसकी एक छोटी सी क्लिप यहीं चला दी जाए, जो उन्होंने भाई फैंस को सबक सिखाया, फैंस तो बोलना भी नहीं चाहिए उनको, लॉन्डो को जो पहला है प्रवीण कुमार ने, तो एक तो प्रवीण कुमार भी आई थिंक MS धोनी ने ही दिया इंडिया को, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनसे निकला, और उसी तरीके का फिर भुवनेश्वर कुमार को भी लेके आए 4 years 5 years लेटर 2013 में भुवी टीम में आए, और बट 2008 के बहुत सारे प्लेयर्स रहे हैं जो MS धोनी के अंडर टीम इंडिया को मिले, बड़े अच्छे प्लेयर्स। 2008 के बाद आई थिंक 2009 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, बड़ा ही फॉरगेटफुल T20 वर्ल्ड कप हमारा, 2010 में भी हुआ, वो दो T20 वर्ल्ड कप तो मुझे याद है भाई, केविन पीटरसन ने जो युवराज सिंह की पिटाई की, भूल जाओ भाई, मतलब बहुत उनकी हम बात नहीं करना चाहेंगे, टू वेरी फॉरगेटफुल वर्ल्ड कप। साल 2011 से पहले मैं एक मैच पे आना चाहूंगा, वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज होती है ना हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 2003 वर्ल्ड कप से पहले की मुझे न्यूजीलैंड की थी, बहुत बुरी तरह हारे थे, 5-2 से हारे थे। 2010 में लेकिन हमारी सीरीज हुई साउथ अफ्रीका में, ठीक है बिल्डअप हो रहा था, इंडिया में वर्ल्ड कप है, चीजें चल रही थी, ज्यादा कुछ था नहीं इस सीरीज में भाई। लास्ट मैच मुझे याद है 190 या समथिंग हम डिफेंड कर रहे थे, मुनाफ पटेल ने एक ऐसा स्पेल प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा स्पेल, और वो ऐसा मैच था कि मतलब साउथ अफ्रीका ही हार सकती है उस मैच को, या RCB, ऐसे रन थे कि मतलब बन रहे थे एग्जैक्टली मेरे को नंबर याद नहीं है, लेकिन 37 from 62 टाइप, हाँ, इस 30 रन बनाने कोई 70 बोलों में, with 7 wickets in hand, हाँ, और वहां से आके मुनाफ पटेल का एक स्पेल, परफेक्ट फील्ड सेटिंग, सब कुछ, मैच ही लेके थे निकाल कैच, वो मैच जो हम जीते वहां से क्या हो गया था कि कुछ वर्ल्ड कप में हो सकता है। बट फिर वर्ल्ड कप के अंदर MS धोनी का मतलब फाइनल का तो सबको पता ही है, 2011 वर्ल्ड कप में तो जितनी बात मतलब हो चुकी है चलती रहेगी जब तक हम दूसरा जीतेंगे भी नहीं, हाँ जब तक नहीं जीतेंगे, एक्चुअली शायद धोनी मेंटर बन गया कि ये इंश्योर करते हैं कि अगला ना जीते तक पिछले की भाई धोनी कोई गलती नहीं थी मेंटरशिप में, मैं तो बोल गए क्योंकि धोनी को तो फंसा दिया उन्होंने, भाई आप कर लो ना प्लीज। नहीं लेकिन जैसे धोनी का एक ये क्रिटिसिज्म होता है कि हर चीज का घूम फिर के क्रेडिट उनको मिल जाता है, क्या थोड़ा ज्यादा क्रेडिट मिलता है धोनी को? पर वो मिलता है ना, ऐसा तो नहीं कि धोनी ने कभी क्रेडिट मांगा हो, कई लोग होते हैं जो क्रेडिट मांगते हैं यार, जिनको नहीं मिलता फिर वो मांगते हैं, हाँ, तो बिना अब मांगे वो मिल रहा है तो क्यों मांगेगा वो, अब आदमी का कद ही इतना बड़ा हो गया है कि घूम फिर के उसको ही मिल जाता है, तो उसकी भी क्या गलती है, यही उतना उसने उतना, हाँ मतलब अब वही है धोनी है इतनी बड़ी, तो मतलब घूम फिर के हर चीज में कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन छोटा मोटा निकल ही आता है उस आदमी, तो क्या करें। हमें भी देखो ना, हमने गंभीर के बर्थडे वीडियो नहीं बनाई
गंभीर ने दो वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन हमने हमें उसका बर्थडे भी नहीं पता। बट पूरे टूर्नामेंट देखा जाए तो धोनी वाज अ बैटिंग फेलियर। हाँ, धोनी ने फाइनल के अलावा कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं किया था बैटिंग में। हाँ, बैटिंग में मतलब जिताया तो सचिन ने, युवराज ने, सहवाग ने, कोहली ने, कोहली के भी रन थे, कोहली के भी रन थे, कोहली का एक्चुअली पहले मैच में रन थे, उसके अलावा ज्यादा कोहली के भी रन नहीं थे, ज्यादा रन नहीं थे, लेकिन सचिन वाज अ पिलर। हाँ, पिलर जिसके अराउंड वो युवराज बैटिंग बॉलिंग दोनों से, दोनों जहीर खान, जहीर खान बॉलिंग से 23 विकेट जहीर खान के। और जहीर खान के भाई चुपालों में उन्होंने गोल्डन तब देखा, तब हमें हेयर ऐसा बुरा नहीं लगता था किसी का। अब पहले अंदर से वो आता है कि शर्म कर तेरे से मेन काम हो नहीं रहा है, और मेन काम नहीं हो रहा, मेन काम नहीं हो रहा, मेन काम के साथ ये करता तो आज भी हम याद करते हैं कि क्या बाल थे यार जहीर खान के। कुछ लोग बताते हैं कि वो एम एस धोनी ने सलाह दी थी उनको एक्चुअली कि भाई ये वाले नहीं नहीं बोलिंग की नहीं ये वाला हाँ, वाले की साइड के निकाल, साइड की तो बोलिंग की वो, हाँ, बालों का ही बता रहा हूँ, ये वाली हेयर स्टाइल करा ले तो उसका भी क्रेडिट एम एस धोनी को जाता है। पर उस वर्ल्ड कप पे तो मतलब हम आप लोगों से देखना चाहेंगे, आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो कि धोनी ने ये अलग किया था या क्या, क्योंकि उस पर हम इनफ बातचीत कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड कप के बाद एक टाइम आया जो धोनी का बहुत ही फॉरगेटफुल था, टेस्ट मैच। इंग्लैंड गए 4-0 से साफ, ऑस्ट्रेलिया गए 4-0 से साफ, इसने उस पूरी चीज को हवा दे दी कि एक तो धोनी की एज ए टेस्ट बैट्समैन ओवरसीज जीरो सेंचुरी है। टेस्ट मैच की बैटिंग में वो पूरी तरह वो हो जाते हैं एक्सपोज, और कुछ अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है। इंग्लैंड में एक बार टेलेंडर्स के साथ लंबा खेल गए थे, धोनी की एक इनिंग है जो विकेट कीपर की हाईएस्ट वो है इंडिया के लिए। नहीं वो सब है, लेकिन टेस्ट मैच का शायद क्या कभी उन्होंने इंटरेस्ट लेके ही कप्तानी नहीं की वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्योंकि वाइड बॉल में वो उतने ही अच्छे रहे, चैंपियंस ट्रॉफी पे भी अभी हम आएंगे, बट वो टेस्ट मैच का तो ऐसा टाइम रहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की वो धुलाई वो मुझे याद आएगी कि यार मतलब वहाँ सम्मान बचाने जैसा भी कुछ नहीं बहुत। और इसके लिए फिर उनकी तारीफ भी बनती है कि उन्हें वक्त रहते ये चीज, वक्त रहते तो नहीं यार, मतलब ठीक है, 3 साल तो लिए धोनी ने 2011 यार, उस समय उन्हें लग रहा होगा ना कि हो सकता है कि नेक्स्ट कैप्टन जैसे उन्होंने चुना किसी को देखा, मुझे लगता है कि बाहर, क्योंकि तब भी सोच अगर तुझे याद हो तो कैप्टन के बाद यही आता था कि ना सहवाग को बना दो, हाँ मतलब द्रविड़ को बना दो या कुंबले को बना दो। ऑफ फील्ड भी खराब हो गए 2013 में, वो बड़ा स्कैंडल सामने आ गया आईपीएल का फिक्सिंग का, जो आज भी जब एमएस धोनी को आप डिफेंड कर रहे होते हो उस चीज़ को आप डिफेंड नहीं कर पाते हो, मतलब वो तो था यार जैसे भी था। और उसके लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चलती है कि टू सेव एमएस धोनी उतना बड़ा डिसीजन आया कि फ्रेंचाइजी को ही बैन कर दो, और एमएस धोनी बहुत शांत भी रहे, उस पर उन्होंने कभी पब्लिकली कमेंट नहीं किया। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ उनसे बार बार पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी इंडिया को, बात खत्म, बात ही खत्म हो गई। फिर ठीक है जो किया उसने यार आईपीएल में, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, वो भी बहुत आइकॉनिक टूर्नामेंट, लेजेंडरी स्टेप, रोहित शर्मा को ओपनर बनाने का वहाँ लिया गया, और शिखर धवन जैसा आईसीसी ट्रॉफीज का चैंपियन प्लेयर वहाँ से पहली बार लाइमलाइट में आया। और वाइट बॉल में मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 2011 वो वर्ल्ड कप जीत गए, अपना वो वापस से एस्टैब्लिश किया कि यार हम वापस से काबिज किया, काबिज किया 129 जैसा छोटा टोटल, और इंग्लैंड में डिफेंड किया वो भी अश्विन और जडेजा के थ्रू, और जिसमें इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, एंड तक वो पेल रहे थे। हाँ। और वो ईशांत शर्मा का मूव कि एक ओवर और डाल, एक और डालूंगा छोटी बॉल डालूंगा, वो उसमें फंसाना, तो वो भी लेजेंडरी था उनका। और मतलब ट्रॉफी जीते जीती जो हमें रोहित शर्मा द वाइट बॉल ओपनर मिल गया, क्योंकि 2007 से 2013 को जैसे अभी उस टाइम ये फ्रेज पॉपुलर नहीं होता बट वही था, शर्म कर रोहित, इतने मौके मिलते थे रोहित शर्मा, रोहित शर्म का जडेजा, हाँ शर्म का जडेजा भाई, इनको इतने चांस, मतलब जडेजा को तो फिर भी नहीं मिलते। मैंने भी धोनी को इस चीज के लिए बहुत बोला है कि भाई इस प्लेयर को क्यों रख रखा है इस आदमी ने, क्या हो गया इसको, क्यों चाहिए ये। और रोहित शर्मा वाज ऑलवेज देयर, ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग अस बट ऑलवेज देयर, फिर वो ओपनर बनता है एंड एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देन, तो वो मास्टर मोमेंट उनका वहां पे। और 2014 में आके फिर वो कप्तानी अपनी छोड़ दें, ऑल दिस वाइल ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन इन आईपीएल, आके कभी भी सीएसके को जीता जा रहे हैं, हर बार सीएसके आईपीएल खेला, वो बाहर की जो लीग हुई थी वो जीती, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग, चैंपियंस लीग जीता दी, मतलब ऐसा था कि एमएस धोनी तो ट्रॉफी, हाँ यूं है, आईपीएल बहुत स्मूथ चल रहा था। 2014 में आके वो टेस्ट मैचेस छोड़ते हैं, 15 का वर्ल्ड कप आता है, वहां पे सबसे ज्यादा याद किया जाता है ऑफ कोर्स हम सेमीफाइनल में हार गए कि एमएस धोनी चोज नॉट टू बी विद हिज वाइफ While she was giving birth to Ziva, और उन्होंने वहाँ नहीं जाना चुना, उसके लिए आज तक विराट कोहली को गाली पड़ती है
कि उन्होंने छोड़ के आना चुना सबको पढ़ दिया हाँ, कि कोई भी बट वो बहुत मतलब उन्होंने अगेन अपना कमिटमेंट दिखाया देश के लिए सेल्फलेस प्लेयर उनका हमेशा से इसलिए भी कहा गया हाँ। अपनी बैटिंग पोजीशन नंबर तीन पे अगर एम एस धोनी खेलते तो उनके स्टैट्स कितने उसके इतने नीचे खेलने के बाद भी 10,000 रन है यार वही तो कमाल है पता नहीं चला कि कब से कम में 10,000 हो गए सोचो वो नंबर तीन पे या ओपनिंग में भी अच्छा खेला नंबर तीन पे भी अच्छा खेला चार अगर सब, सब जो खेला इतनी डिबेट हुई कि एमएस धोनी शुड प्ले नंबर फोर शुड प्ले नंबर फोर वो आया नहीं बंदा कभी और वो जबकि खुद कैप्टन था हाँ। किसी भी उस पे बाबर आजम बन सकता है वो मतलब 19 वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा एक उनका डिक्लाइन आना शुरू हो गया था जिसमें सवाल उठते थे कि इज ही नॉट फिट एनीमोर उनसे वो सब पूछा जाने लग गया था बट 17 तक तो उन्होंने मतलब इंजॉय किया अपनी गेम को जैसे अभी वो आईपीएल में कर रहे हैं कि आते हैं एट विल सिक्सेस मारते हैं मजे करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने पूरा अपनी क्रिकेट को एंजॉय किया अपनी फुल्ली 19 का ऑफ कोर्स उनका रन आउट बिगेस्ट हार्ट ब्रेक फॉर ऑल ऑफ अस वो फोटो हमेशा दिमाग में रहेगी भाई और मतलब जडेजा मार रहा था एक एंड से और धोनी ने नहीं मारा वो एक मलाल की क्या धोनी को थोड़ा पहले मारना शुरू कर उनको स्ट्राइक चेंज कर देनी चाहिए थी कि आप बेस्ट विकेट कीपर भी वाइड बॉल वाइड बॉल बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन एंड बेस्ट कैप्टन इन वाइड बॉल विल एवर हैव विकेट कीपिंग पे अगर जज करें तो रेड बॉल में भी अच्छी थी विकेट कीपिंग सिर्फ विकेट कीपिंग तो बैटिंग ही खराब थी और आज भी अगर देखा जाए तो एम एस धोनी से तेज विकेट कीपर कोई नहीं है कितना ही यंग हो बिल्कुल कितना ही बच्चा आ जाए या कोई भी कितना एक्सपीरियंस आ जाए वो लाइटनिंग फास्ट जो भाई किसी के पास बैटिंग में एक्स्ट्रा सेकंड होता है उनका स्टंपिंग में और प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी बार उन्होंने स्टंपिंग तब की है कि इसका पैर रखा हुआ है इसको उठाने दो उठाया तब वो वाला उठाया नहीं जो ऑस्ट्रेलिया वाला ने कर दिया नहीं उस तरीके का नहीं कि एकदम रोका कि इसका बैलेंस खराब होगा तब मारूंगा तब मैं मारूंगा तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वो फुल ऑफ सेविजरी बिना देखे वो वाला बिना देखे स्टंपिंग बांग्लादेश का गुरूर तोड़ा था उन्होंने कि छक्का मार के जिताएंगे भाग के आगे जो मारा टूटा है बांग्लादेश का घमंड जो होना भी नहीं चाहिए उन्हें भाई कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं उन्होंने बट हाँ वो अगर 2016 T20 वर्ल्ड कप हम मिस कर गए बीच में आइकॉनिक वो तो हम जितना डिजर्व करते थे बट कार्लोस ब्रैथवेट Had other plans. मतलब वो जीवन में आपको अगर एक ऐसा इंसान मिल जाए हाँ. तो जहाँ बोले वहाँ पैसा लगा दो वहाँ पैसा लगा दो वो स्टॉक ले लो वो काम कर लो बस इसीलिए MS धोनी should come in politics, he should become our PM one day. बिल्कुल मैं चाहता हूँ ये हो भाई वो जो दिमाग है ना उस बंदे सिर्फ आंख बंद करके उसको फॉलो कर लो चीजें गलत हो ही नहीं सकती और कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही है उनके साथ काफी सारी पर उसके ऊपर जो अगर इस अचीवमेंट के बदले कोई ये सब कर रहा है चलेगा कर लो अगला ट्रॉफी दे रहे हो हाँ, हमें तीनों आईसीसी ट्रॉफी दे दी बिल्कुल मुझे फिर से लगता है ठीक है भाई आप सेलिब्रेट कर लो चल यार ना मेरा ना एमएस धोनी का 45th मान लेते हैं यार ठीक है ये 45th तो है ठीक है 45th तो है ठीक है चलिए सो हैप्पी 45th बर्थडे रियल वाला टू एमएस धोनी कागजों के हिसाब से आई थिंक इट्स 81 में पैदा हुए थे तो 42nd और खेलते रहे यार आईपीएल अभी हम चाहते हैं आपको देखना सोशल मीडिया पे भी जो उनकी पर्सनालिटी है ना मतलब कभी एक वीडियो निकल के आएगा एकदम अभी भी जैसे मतलब एंजॉय लाइफ को वही बंदा कर रहा है फोन कैंडी क्रश खेलना उनको नहीं टेंशन होगी थ्रेड आ गया हाँ थ्रेड पे एक्टिव होना पड़ेगा मे बी एमएस धोनी ऑल दीस एप्स कोई रैंडम उस वाले हैंडल से जो होते हैं पूरे दिन फोन चला पूरे दिन मीम भेज भेज पूरे दिन मैं फोन चलाते उनकी आईडी इसीलिए कुछ और करते दिखते कुछ नहीं कुछ और करते नहीं दिखते एक दिन जब जीवा फोन ले जाती है तो वो ट्रैक्टर चला लेते हैं कि अबे यार जीवा आधे घंटे के लिए गई है आउट ट्रैक्टर चला ले रियल इन्फ्लुएंसर ही इज द रियल इन्फ्लुएंसर ही इज द नंबर वन गाय सबसे बड़ा क्रिकेटिंग सुपरस्टार हमारा वी विश हिम सक्सेस अहेड थैंक यू सो मच शुभकामनाएं हां थैंक यू सो मच एमएस धोनी फॉर एवरीथिंग यू गिव अस फॉर ऑल द मेमोरीज ऑल द हैप्पीनेस मजा आया यार मजा आया क्योंकि सचिन का एक बहुत बड़ा फेज हमने नहीं देखा नहीं देखा एमएस धोनी का जब वो हमें जिता रहे थे धोनी को हमने शुरू से और एंड तक देखा है पूरा देखा तो हमारे लिए एक भावनाएं जुड़ी है बिल्कुल हमारे अपने जेम्स एंडरसन यार वो भी खेले जा रहे हैं जेम्स एंडरसन को सब बोलते हैं उसको तो देखो घास नहीं मिली उसकी पिटाई हो गई एमएस धोनी को तो आप गिव हिम 10 डेड बॉडीज ही विल स्टिल विन दिस इज इट अब मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते थोड़ा सा लेट मिलेंगे शायद क्योंकि बैक टू बैक दो एपिसोड आ चुके हैं और इंडिया की टीम भी अनाउंस हो चुकी है वेस्ट इंडीज वाले वो भी डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें भी करेंगे एशेज का एक और टेस्ट मैच फिनिश हो जाएगा उन सब के साथ हम आपसे वील सी यू लेटर ऑन एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू आर शोइंग टू दिस शो यस बिल्कुल एंड काफ़ी ईमेल्स आपके आ रहे हैं आज हमने नहीं पढ़े वी कीपिंग इट अराउंड जस्ट एमएस धोनी
सारे ईमेल्स हम आपके देख रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम उन्हें लेंगे भी। और एज ऑलवेज हमारा फिटनेस पार्टनर हमारे पीछे मौजूद है, पीनट बटर। आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं क्रंची रखा हुआ है इन्होंने, और क्रंची में हर बार दो बार खा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, बट यू डेफिनेटली ट्राई दिस आउट अगर आपने अभी तक नहीं किया है, मजेदार चीज है। एमएस धोनी के मजबूत बाइसेप्स का राज भी यही है, इसके जो पीनट है वो एमएस धोनी के खेत से आते हैं, ये असली बात। ठीक है जी, विल सी यू नेक्स्ट वीक, बाय। लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब बंद करो, थ्रेड्स चलाने यार, साइनिंग ऑफ यार, जल्दी मेरा फोन, मेरा थ्रेड्स।